क्या आप कॉन्फिडेंट हैं? क्या आप सच में सोचते हैं कि आप जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं? आप किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं? अगर ऐसा नहीं है तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करें। नाउ, इससे पहले हम ये डिस्कस करें कि हम कैसे अपने अंदर एक सुपर कॉन्फिडेंट डेवलप कर सकते हैं, ये जानना जरूरी है कि कॉन्फिडेंस है क्या। कॉन्फिडेंस एक बिलीव है आपका अपने ऊपर कि आप समझते हैं कि अगर आप एफर्ट डालेंगे तो आप चीज़ें कर सकते हैं। आप चीज़ों से घबराते नहीं हैं, आप कंडीशन से घबराते नहीं हैं, आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। नाउ देर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। अब ओवर कॉन्फिडेंस क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस है जब आपको किसी चीज़ का एक्स वाई जेड भी नहीं पता है एंड आपको लगता है कि आप वो कर सकते हैं एंड आप लोगों को प्रॉमिस करते हैं कि मैं ये काम कर लूँगा, जबकि वो आपने कभी किया नहीं है और आपको कोई आइडिया नहीं है कि उसको कैसे सीखना है, कहाँ से सीखना है। तो वो है ओवर कॉन्फिडेंस। तो आइए जानें कि हम एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप कर सकते हैं जिससे कि हम किसी भी कंडीशन में अपने को प्रिपेयर रख सकें और जो भी हम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो हम अचीव कर सकें। ये तो आप सभी जानते हैं, कॉन्फिडेंस एक बहुत ही पावरफुल स्किल है, एक बहुत ही पावरफुल प्रॉपर्टी है किसी बंदे की। जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं लोग उनसे एसोसिएट होना पसंद करते हैं। तो आइए जानें कि ऐसी वो कौन से 4 से 5 पॉइंट हैं जो आपको कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका अपीयरेंस, हाउ यू लुक दैट वे यू फील। तो जैसा आप पहनते हैं वैसा आप फील करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दें, आप किस तरह के बाल बनाते हैं, आप किस तरह की ड्रेस पहनते हैं, किस तरह की सेंट लगाते हैं, डियो लगाते हैं, सब कुछ आपकी ग्रूमिंग में आता है। तो क्योंकि अगर आपका अपीयरेंस अच्छा होगा तो आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे। यही रीज़न है कि जब आप किसी पार्टी में जाते हैं आप मोर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, जबकि आप अपनी डे टू डे लाइफ में वैसा नहीं फील कर सकते, क्योंकि पार्टी में आप बहुत एफर्ट लगा के अपने को ग्रूम करते हैं। तो ड्रेस वेल एंड अपीयर वेल। नाउ सेकंड पॉइंट है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है कि आप सबके संग क्लियरली कम्युनिकेट कर पाएं। नाउ कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको कौन सा लैंग्वेज आता है, आपको इंग्लिश आती है कि हिंदी आती है कि कौन सी लैंग्वेज आती है। इसका सीधा मतलब है कि आप जो सोचते हैं क्या आप अपने थॉट्स को, अपने विचारों को दूसरों को समझा पाते हैं कि नहीं। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं अपनी रीजनल लैंग्वेज में, अपनी बिजनेस लैंग्वेज में, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें ध्यान दें। और कम्युनिकेशन अच्छा करना कोई बड़ी बात नहीं है। यस आई नो कि ये बहुत ही डंटिंग टास्क लगता है मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए, बट मैं इस जर्नी से गुजर चुका हूँ। एंड अगर आप चाहें कि इंग्लिश लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं तो मैं आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, आई थिंक उसका लिंक आपको दिख रहा होगा ऊपर के हाउ टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। तो कोई भी लैंग्वेज जो भी आप बोलना चाहते हैं आप बोलना सीख सकते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस अगर आप अपने आप को कमिट करते हैं 80 to 90 डेज के लिए तो आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। सब लैंग्वेज सीखने के फंडामेंटल सेम है। तो अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए, बिकॉज अगर आप कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, अगर आप अपनी बातें दूसरों के सामने नहीं रख पाते हैं, अगर आप मीटिंग्स में खड़े होकर अपनी बात रखने में घबराते हैं, देन आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं। तो अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क कीजिए, ये दूसरा पॉइंट है। नाउ तीसरा पॉइंट है बिलीव इन योर सेल्फ। अब बिलीव इन योर सेल्फ आप बोलोगे कि भाई मैं अपने आप में बिलीव कैसे पैदा करूँ। बिलीव करने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने आप से प्यार करें। सेल्फ लव इज़ द सीड ऑफ सेल्फ बिलीव। तो अगर आप अपने आप से प्यार करेंगे, अपनी बॉडी से प्यार करेंगे, अगर आप अपनी पर्सनैलिटी से प्यार करेंगे, उसके लिए एम्बेरस नहीं फील करेंगे, देन वो फर्स्ट स्टेप है टूवर्ड सेल्फ बिलीव। अगर आप मोटे हैं, आप पतले हैं, आप काले हैं, आप नाटे हैं, आप लंबे हैं, बहुत पतले हैं, और कोई भी बात है, अगर आपके फीचर्स आपको अच्छे नहीं लगते हैं, ये सब आपका भ्रम हो सकता है। और अगर ऐसा है भी, कभी भी अपने आप को डाउन प्ले नहीं करना है।
अपने आप पे बिलीव करिए। आप ऐसे कई मॉडल्स देख सकते हैं जिनके फीचर्स अच्छे नहीं हैं, जिनकी हाइट्स अच्छी नहीं है, बट अगर ओवरऑल आप अपनी बॉडी पे ध्यान दें तो आप एक बेस्ट फिजिक पा सकते हैं, एक बेस्ट अपीयरेंस पा सकते हैं अपने लिए। तो पहली बात, बिलीव इन योर कैपेबिलिटीज। टू बिलीव इन योर कैपेबिलिटीज, सेल्फ लव इज द फर्स्ट स्टेप। अब जब आप अपने लिए, आपका सेल्फ लव अपने लिए बढ़ने लगेगा, ऑटोमेटिकली आपका अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ने लगेगी। नाउ सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है कि आप अपनी रिस्पेक्ट करते हैं, आप अपने आप को अंदर ही अंदर कोसते नहीं हैं। सबसे ज्यादा हमसे कौन बात करता है सुबह से शाम तक, दिन रात? आप खुद, हम हैं जो हम अपने आप से सबसे ज्यादा बात करते हैं। हमारे अंदर इतनी बातें चलती हैं अपने को लेके, तो अगर वो बातें पॉजिटिव होंगी देन आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, आपका अपने आप पे बिलीव बढ़ेगा। अगर वो बातें निगेटिव होंगी तो आपका अपने आप से कॉन्फिडेंस घटेगा, अपने आप से बिलीव घटेगा। तो बिलीव इन योर कैपेबिलिटीज, हैव सेल्फ लव, हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड ऑटोमेटिकली इट विल गाइड यू टूवर्ड्स सेल्फ बिलीव। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज इंक्रीज योर कॉम्पिटेंसी। सी, कॉन्फिडेंट का वेरी डायरेक्ट रिलेशन है कॉम्पिटेंसी से। अब कॉम्पिटेंसी क्या है? कॉम्पिटेंसी है आपकी लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज काम करने में। अब मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, ओके? अगर आप अपने आर्ट में अच्छे नहीं हैं, आप मान लीजिए आप पायथन में काम करते हैं, लेकिन आपको पायथन बहुत अच्छी नहीं आती, तो आप कितना भी सेल्फ बिलीव अपने अंदर ले आए बट आप पायथन को लर्न नहीं करेंगे तो आप कभी सुपर कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकते। तो आप जिन चीज़ों पर काम करते हैं, जो चीज़ें आपकी डे टू डे लाइफ में ज़रूरी हैं, जिनमें आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, उसमें आप अपनी कॉम्पिटेंसी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो आप लर्न कीजिए। लर्निंग इज़ नॉट समथिंग वेरी टफ, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप अगर चाहें तो कुछ भी लर्न कर सकते हैं। देयर आर सम सिंपल रूल्स, कुछ सिंपल रूल्स फॉलो करके आप बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें लर्न कर सकते हैं। तो अपना कॉम्पिटेंसी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो आप जिस भी चीज़ में काम करते हैं उस चीज़ में अपने को एक्सपर्ट बनाइए, उस चीज़ में अपना कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़ाइए। तो जिससे जब आपका कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़ेगा, जब आपको चीज़ें आती होंगी, तो आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ये लास्ट पॉइंट जो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, ये लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, हम अपनी लाइफ को कभी कभी बहुत सीरियस लेते हैं और हर काम जो हम करना चाहते हैं उसमें हम या तो बहुत ओवर एनालिसिस करते हैं और या हम बिल्कुल ही घबरा जाते हैं कि हम ये नहीं कर सकते। तो आप जो भी काम करें उसको एक गेम की तरह लीजिए। अब गेम की तरह लेना में आपका फ़ायदा क्या है? जब भी आप कोई गेम खेलने जाते हैं, आप उसमें काफ़ी प्रेशराइज फील करते हैं और आपको इंजॉय आता है, आप एक्चुअली गेम्स इंजॉय करते हैं। अब आप गेम इंजॉय क्यों करते हैं? क्योंकि गेम के एक सर्टेन रूल्स होते हैं, आप वो रूल्स को फॉलो करते हैं एंड आप एक अनसर्टेनिटी देखते हैं, आपको पता नहीं होता कि आप जीतेंगे कि आप हारेंगे, तो एक उसमें एक्साइटमेंट रहता है। सो द अनसर्टेनिटी लीड्स टूवर्ड्स एक्साइटमेंट एंड द सर्टेनिटी टेक्स यू टूवर्ड्स बोरिंग। सो बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी टास्क करें, चाहे वो कितना भी बड़ा टास्क क्यों ना हो, उस टास्क में गेम्स रूल लगाइए, उसको एक गेम की तरह प्ले कीजिए, उसको बहुत ज़्यादा सीरियस मत लीजिए। एंड जब आप ऐसा करेंगे तो आपका एक उसमें इंटरेस्ट बनेगा एंड आपको वो चीज़ें ईजी लगेंगी। अब चलिए मैं आपको इसके लिए कुछ एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपका एक भाई है जो बहुत ओवरवेट है, ओके? अब आपको उसे एक सिटी से दूसरी सिटी लेके जाना है एंड अभी वो चल नहीं पाता है और उसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, तो ऐसा, और आपको उसको जिस सिटी में ले जाना है वो ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर फार है एंड आपको ट्रेन से ही जाना है जिसमें आपको 30 से 35 घंटे लगेंगे। अब आपको ये टास्क टफ लग रहा है कि ईजी लग रहा है? आई एम श्योर कि आपको ये टास्क टफ लग रहा होगा, क्योंकि एक तो आपका भाई बहुत ओवरवेट है, दूसरा उसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, वो चल नहीं पा रहा है, तो उसको टॉयलेट ले जाना, ये सब आपको प्रॉब्लम लग रहा होगा। इवन अगर आप उसको कोई डाइपर्स के थ्रू भी ले जाना चाहते हैं, मे बी आपको फ्रिक्वेंटली उसके डाइपर्स चेंज करने पड़ेंगे, लोगों के सामने आप ये सब कैसे करेंगे? तो अगर आप डीप एनालिसिस करेंगे इस सिचुएशन के लिए तो आप बहुत डर जाएंगे, बिकॉज आपको लगेगा इट्स पॉसिबल नहीं है। अब आप सोचेंगे कि अरे अगर मैं
सोचूंगा ही नहीं मैं ये सब काम कैसे करूंगा, तो मैं एक्चुअली एग्जीक्यूट कैसे करूंगा इसको। तो मैं ये नहीं बोलता कि आपको अपनी प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, बट किसी भी चीज को इतना सीरियस नहीं लेना है कि वो आपको डराने लगे। तो आपको पता है ये टास्क आपको करना ही है। अब आपको ये देखना है कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको हेल्प कर सकती है उस टास्क को अचीव करने के लिए। मे बी एक व्हील चेयर जो आपको आपके भाई को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद कर सके, मे बी ओके डाइपर्स, मे बी सम कर्टन्स एंड ऑल जिससे आप ढक सकें और उसके डाइपर्स चेंज कर सके, और जो भी आपको चीज़ें लगती हैं जो आपको हेल्प कर सकती है उस सिचुएशन में, वो आपको करनी है। तो आपको हर एक टास्क जो भी आपको करना नेसेसरी है उसको बहुत ओवर एनालिसिस मत कीजिए, ज़्यादा डीप थिंकिंग मत कीजिए, ओनली इतनी प्रिपरेशन कीजिए जितनी उस टास्क को स्टार्ट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरी है। एंड तब देखिए कि किस तरह से मिरेकल्स होंगे एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में अचीव करेंगे। तो अगर आप ये 5 पॉइंट्स फॉलो करते हैं तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि हर आदमी आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट बंदे की तरह फील करेगा एंड आप खुद अपने अंदर एक सुपर कॉन्फिडेंट फील करेंगे।